नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज रिपोर्ट। बिहार प्रदेश के रोहतास जिला के नोखा प्रखंड मुख्यालय पर किसानों को उन्नत खेती की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि वैज्ञानिक राम रतन प्रसाद द्वारा मधुआ कीट प्रबंधन, पराली प्रबंधन यंत्रीकरण, किसानों को पराली प्रबंधन और मिट्टी जाँच कराने के बाद उर्वरक की छिड़काव करने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता आत्मा अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने किया और संचालन राजू कुमार सिंह ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख धनंजय चौधरी, उप प्रमुख कैलाश पासवान, बीडीओ देवेंद्र पासवान, डीपीआरओ सुनील कुमार सिन्हा, पूर्व जिला परिषद सदस्य रविशंकर सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सत्येंद्र नारायण सिंह, आलोक आनंद, अखिलेश्वर पांडे ने किया। कार्यक्रम में किसानों को कई तरह के प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर किसान सलाहकार महेंद्र कुमार, संजय कुमार, कृषि समन्वय अशोक कुमार कुमार, सौरभ कुमार, तकनीकी सहायक श्रीकांत कुमार, संजय कुमार, राजेश कुमार, राम सुरेश सिंह सहित कई किसान मौजूद थे। उनके भी बातों से, उनके भी भाषणों से, उनके ट्रेनिंगों से आए हुए जिला समन्वयक जी एवं रवि जी, अन्य जनप्रतिनिधि, हमारे अधीनस्थ पदाधिकारी कर्मचारी तथा इस प्रखंड से आए हुए किसान भाइयों एवं बहन, आज ये कर्मशाला सब प्रशिक्षण इसलिए रखा गया है ताकि आपको रवि कर्मशाला 2022 महाअभियान सब प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन से प्रत्येक वर्षों की भांति किसानों को रवि के विषय में गेहूं, चना, मसूर लगाने की विधि, जीरो टिली से गेहूं लगाने की विधि बताई जाती है एवं बीज वितरण किस रेट से कितना अनुदान किस योजना में है वो बताई जाती है। किसान अपना गेहूं, चना, मसूर ले जाकर अपने खेत में लगाते हैं, इसी के लिए प्रशिक्षण रखा गया है। 15 तारीख से किसान चौपाल पंचायत वार प्रारंभ किया जाएगा। क्या नाम है सर? सत्येंद्र नारायण सिंह, प्रखंड कृषि अधिकारी।